होली आई होली, अनुशीलनी। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न आई, होली खेतों में क्या ले आती है? उत्तर, होली खेतों में सोना ले आती है। प्रश्न डबल आई, होली के समय किसका आंगन महकता है? उत्तर, होली के समय अमराई का आंगन महकता है। प्रश्न ट्रिपल आई, इस समय दुनिया किस में डूब जाती है? उत्तर, इस समय दुनिया मंगल में डूब जाती है। प्रश्न आई भी, होली के समय गली गली में क्या गाया जाता है? उत्तर, होली के समय गली गली में फागे गाए जाते हैं। प्रश्न भी, होली के समय किनके मन में उत्साह भर जाता है? उत्तर, होली के समय बालक बूढ़े सबके मन में उत्साह भर जाता है। प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न आई, होली के समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? उत्तर, होली के समय सरसों गेहूं आदि फसलें उगाई जाती है। प्रश्न डबल आई, होली आने पर खेतों की शोभा कैसी होती है? उत्तर, होली आने पर खेतों में सोने जैसी फसल उगती है, उनका हर कोना कोना चमकता है और खेतों की शोभा बढ़ जाती है। प्रश्न ट्रिपल आई, दुनिया मंगल में कैसे डूब जाती है? उत्तर, होली आने पर कोयल कुहकती है, भौरे गूंजते हैं, नए कमल पत्ते झूमते हैं, जंगल में टेसू खिलते हैं, इस तरह दुनिया मंगल में डूब जाती है। प्रश्न आई भी, होली आने पर कोयल और भौंरे क्या करते हैं? उत्तर, होली आने पर कोयल कुहकती है और भौंरे गूंजते हैं। प्रश्न भी, होली के दिन लोग क्या करते हैं? उत्तर, होली के दिन लोग राहों पर खुशी से मिलते हैं। प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न आई, इस समय कौन सुखदाई होता है? उत्तर, इस समय सूरज चंद्र सब सुखदाई होता है। प्रश्न डबल आई, इस समय आंगन में क्या क्या होता है? उत्तर, इस समय आंगन में मंजीरे खनकते हैं और नूपुर रनकते हैं। प्रश्न ट्रिपल आई, फागे कब गाई जाती है? उत्तर, होली आने पर गली गली में फागे गाई जाती है। प्रश्न आई भी, होली में चौराहों पर क्या जलती है? उत्तर, होली में चौराहों पर होलिका जलती है। प्रश्न भी, इस समय किसकी बहार आती है? उत्तर, इस समय रंग और रस की बहार आती है। प्रश्न चार, कविता पढ़कर रिक्त स्थान को भरिए। आई, खेतों में डैश सोना, खेतों में लाई है सोना। डबल आई, सरसों डैश गेहूं डैश, सरसों फूली गेहूं लहका। ट्रिपल आई, अमराई का आंगन में
सॉरी अंगन महका। आईवी डैश टेसु जंगल में, फूल गया टेसु जंगल में। भी जहाँ देखिए वही डैश है, जहाँ देखिए वही प्यार है। भी आई नाचो गाओ झूमो भाई। प्रश्न 5, आओ जाने इस ऋतु का नाम क्या है जिसमें कोयल कुहुकती है। बसंत ऋतु, जिसमें बादल गरजते हैं। वर्षा ऋतु, जिसमें ठंड लगती है। शीत ऋतु, जिसमें लू चलती है। ग्रीष्म ऋतु, जिसमें रंग खिलते हैं, सॉरी खेलते हैं। बसंत ऋतु, जिसमें चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु। भाषा कार्य। प्रश्न 6, आओ सीखो और लिखे, सीखे और लिखे। जैसे हवा का चलना, कोयल का कूकना, सरसों का फूलना, वैसे ही पानी का बहना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, कुत्ते का भौंकना, गाय का रवना, शेर का दहाड़ना, गेहूं का लहकना, पत्तों का हिलना या झुकना, टेसु का खिलना। जैसे मंजीरे का खनकना, वैसे नूपुर का रनकना, ढोलक का ठनकना। प्रश्न 7, समझे और लिखे। जैसे खेतों में लाई है सोना, खेत में सोना लाई है, वैसे पत्ते झूमे चिकने कोरे, क्या होगा? चिकने कोरे पत्ते झूमे हैं, फूल गया टेसु जंगल में। जंगल में टेसु फूल गया है। गुंजे भौरे, भौरे गुंजे है, डूब गई दुनिया मंगल में। दुनिया मंगल में डूब गई है, ढोलक ठनकी राह राह में ढोलक ठनकी है। इन बाइकों को देखिए, हर कोना चमक उठा, गेहूं लहका, आंगन महका, पत्ते झूमे, टेसु फूल गया। रेखांकित शब्द पुलिंग है, पुलिंग में है, इसलिए इनकी क्रियाएं पुलिंग में है। इन बाइकों को देखिए, होली आई, सरसों फूली, हवा लहराई, कोयल कूकी, ढोलक ठनकी। ऊपर की संज्ञा स्त्रीलिंग में है, इसलिए इनकी क्रियाएं स्त्रीलिंग में है। पढ़ लो, सब समझ जाओगे। प्रश्न 7, सॉरी 8, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका लिंग पहचान कर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खेत पुलिंग, किसान खेत में काम कर रहा है। भौरे पुलिंग, भौरो गूंजता है। पत्ता पुलिंग, पत्ते हिलते हैं। दुनिया स्त्रीलिंग, हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है। सूरज पुलिंग, उगता हुआ सूरज बहुत सुंदर दिखती है। चंदा पुलिंग, चंदा को हम सब मामा बुलाते हैं। मंजीरा पुलिंग, मंजीरा खनकते हैं।